गार्ड ठीक है बाहर हो गई, इसे कहते हैं हाफ गार्ड टैन कर लो। फिर उसके बाद मैन टैन खतरनाक सिचुएशन है अगर ये बहुत। कैसे आप लोग, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ग्रिबलिंग का एक वीडियो है। ग्रिबलिंग का एक कुछ मेन पोजिशन है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है ग्रिबलिंग के अंदर। तो इस वीडियो में मेरे साथ मेरे कोच मेरे साथ देगा इस वीडियो में उस्ताद मोहिबुल्ला। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, तो लेट्स गो, चलते हैं वीडियो की तरफ। उस्ताद आ गए हैं। इसे कहते हैं, इस पोजीशन में कहते हैं गार्ड ठीक है। इस पोजीशन में हम गार्ड कहते हैं ग्रिबलिंग के अंदर। इसके बाद ये है हमारी गार्ड पोजीशन ठीक है। दूसरे पे हम इसको हाफ गार्ड में आएंगे। हाफ गार्ड में कैसे आना है, इस तरह एक पैर अंदर होगा एक पैर बाहर होगा, इसे कहते हैं हाफ गार्ड ठीक है। इस तरह इसे कहते हैं हाफ गार्ड। और इस तरह फिर हम साइड कंट्रोल पे आएंगे। साइड कंट्रोल इस तरह आना है, ये इसे कहते हैं साइड कंट्रोल। दोनों पैर एक भी आते हैं एक भी आते हैं, बिल्कुल मेरे हाथ पैर सारे चिपका है इसके मेरे फैन के साथ। तो इसे कहते हैं साइड कंट्रोल। फिर उसके बाद माउंट पैन है, इसे कहते हैं माउंट ठीक है। ग्रिबलिंग के अंदर ये बहुत बहुत मेन पोजिशन है। इसे कहते हैं हाई माउंट। जब यहाँ पर सीने पे आएगा इसे कहते हैं हाई माउंट। ये बहुत खतरनाक पोजिशन है। फिर उसके बाद हम एक और पोजिशन है कहते हैं, इसे कहते हैं सीट बेल्ट। ये जिस तरह हम गाड़ी का सीट बेल्ट लगाते हैं इसी तरह ये सीट बेल्ट है। इसका नाम है सीट बेल्ट। आपका पैर यहाँ पे लगा होना चाहिए ठीक है, ये सीट बेल्ट है। इसके बाद हम फोर पे आएंगे, इसे कहते हैं फोर लॉक। इसका नाम है फोर लॉक। इसको इस तरह हम फोर बनाते हैं इसको, इसे कहते हैं फोर लॉक ठीक है। ये है बीजीजे के अंदर बहुत क्या नाम है ग्रिबलिंग के अंदर बहुत जबरदस्त टेक्निक्स है। इसका नाम आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इसका जानना। तो इसी तरह हम लोग आप लोगों को बीजीजे के अंदर या एमएमए का मेन मेन चीज़ें आप लोगों को बताते रहेंगे। जैसे कि अंबार हो गया, ट्राइंगल हो गया, आरएनसी हो गया, इस तरह और भी चौक से आप लोग को वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को टीम कराटे 05 को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।